बाइक ट्राले के पीछे घुसनी तय थी। मुझे उस पल अपनी मौत दिखाई दे गई। बचाव की कोई आस न थी। लगभग 9-10 साल पहले मैं अपने एक रिश्तेदार की पुरानी बाइक ले आया सीखने के लिए। शहर से गांव तक दोस्त चलाकर लाया था। उसी ने 2 दिन थोड़ी बहुत सिखाई। तीसरे दिन बाइक लेकर मैं अपने खेतों में चला गया। खेतों के बीच में 6 फुट चौड़ा रास्ता था। मैं अकेला ही था। चलाते वक्त मुझे विश्वास नहीं बन पा रहा था। सोच रहा था कि दूसरे कैसे हवा से बात कर लेते हैं। 30-40 मिनट बाद में घर के लिए निकला, जो मुश्किल से 1 किलोमीटर से कुछ ही ज़्यादा दूरी पर है। खेतों से निकलकर मैं सड़क पर पहुंचा। कुछ ही दूरी पर एक ट्राला खड़ा था सड़क के बिल्कुल बीचों बीच। सड़क बहुत चौड़ी नहीं थी। खिड़की खोलकर ड्राइवर सड़क पर खड़े किसी आदमी से बातें कर रहा था। नीचे खड़े आदमी के पास कंटीले तारों की बाड़ लगी थी, जो खेत की रखवाली के लिए थी। मैं बिल्कुल ट्राले के नज़दीक पहुंच गया, लेकिन डर एवं हड़बड़ाहट में बाइक को रोक ना पाया। बाइक ट्राले के पीछे घुसनी तय थी। मुझे उस पल अपनी मौत दिखाई दे गई। बचाव की कोई आस न थी। तभी चमत्कार हो गया। अगले ही पल किसी अदृश्य शक्ति ने बाइक हैंडल को झटके से मोड़ा और बाइक ट्राले के बराबर से निकल गई। दूसरा कमाल ये रहा कि इसी एक पल में ट्राले की ड्राइवर खिड़की भी बंद हो गई और बतिया रहा वो अधेड़ आदमी भी। ऊंची कंटीली बाड़ कूद गया खेत की दूसरी ओर। बाइक बिल्कुल साफ निकल गई थी, लेकिन मैं होशो हवास में बिल्कुल नहीं था। कुछ ही देर में घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे की ओर दौड़ा। मेरी सांस धोखिनी की मानिंद चल रही थी। मेरा शरीर बहुत गर्म हो गया था। मुझे अपने जीवित होने का विश्वास नहीं हो पा रहा था। कुछ देर बाद संयमित होने पर मुझे उस छवि का ध्यान आया जो मुझे ट्राले के पीछे नजर आई थी। निश्चित रूप से वो बजरंग बली थे, क्योंकि मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जो करता हूँ। हनुमान जी सच में संकट मोचन है। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी एवं चमत्कार जानना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय सिया राम।